सुल्तानपुर समाजवादी पार्टी के निवर्तमान राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ इसौली विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव में पहुंचकर केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल के विरोध में किसान पदयात्रा निकाली। सपा नेता मेराज अहमद के नेतृत्व में उनके पैतृक गांव फेरू फैजू खास से किसान पदयात्रा निकाली गई। वहीं किसान पदयात्रा में शामिल होने के लिए इसौली विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से समाजवादी कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर किसान विरोधी बिल का पुरजोर विरोध किया और मौजूदा सरकार से ये मांग की, तत्काल किसान विरोधी इस बिल को वापस लिया जाए। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी मेराज अहमद खान ने किसान पदयात्रा में शामिल हुए सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के जिस तरह किसानों के साथ शोषण कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सपा नेता मेराज अहमद ने कहा कि सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि बिल खेती और किसानों की गुलामी का दस्तावेज है। अहमद ने आरोप लगाया कि भाजपा किसानों से उनका मालिकाना हक छीनकर पूंजीपतियों को देना चाहती है। नए कृषि विधेयक से MSP सुनिश्चित करने वाली मंडियां खत्म हो जाएंगी। किसानों को लाभ तो दूर, उपज का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। आशंका जताई है कि फसलों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर किए जाने से आढ़तियों और बड़े व्यापारियों को किसानों का शोषण करना आसान हो जाएगा, किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएगा। किस तरह का कार्यक्रम था आज यहाँ पर? ये कार्यक्रम किसान सम्मान यात्रा थी। आज पूरे देश का किसान जो है सड़कों पर उतरा हुआ है, दिल्ली में जमा हुआ है। ये सरकार जब से आई है, इसने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। किसानों की आय दुगनी की करने क्या, किसान का धान आज 10 रुपये किलो बिक रहा है और जो क्रय केंद्रों पर, उनके जो क्रय केंद्र हैं वहाँ बिचौलिए अपना फायदा किसानों का धान जो है कम रेट में खरीद करके वहाँ महंगे रेट में बेच रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और 10 रुपये के जी खून पसीने की कमाई उसकी जो है, किसानों की कमाई 10 रुपये में बिक रही है और बनियों का पानी 10-20 रुपये लीटर बिक रहा है आरओ के रूप में बना करके। ये किसानों के साथ सरासर अन्याय है। हम लोग चाहते हैं कि किसान विरोधी बिल वापस हो और किसानों को सम्मान मिले, किसानों का आय दुगनी हो। इसी के माननीय अखिलेश यादव ने जो हम लोगों को यात्रा निकालने के लिए आदेश दिया था, कल उनको इसी उस संबंध में गिरफ्तार भी कर लिया गया। हम लोग कल बैठे रहे धरने पर उनके रिहा होने तक। और ये यात्रा हमारी दोहनपुर, बहमलपुर, कोटिया, पिपरी, सरैया, पूरे बिसेन, अलीगंज, खोखीपुर, दाऊदपुर में आकर के समाप्त हो रही है।